हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट पार्ट में जिस पॉलीमर के बारे में देखा था, तो हमारा लास्ट जो पॉलीमर था वो कौन सा था? मेलामाइन। उसके पहले हमने बैकलाइट भी पढ़ा था। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो थर्मोसेटिंग नेचर को क्या करते हैं, शो करते हैं। हमने थर्मोप्लास्टिक का मतलब भी देखा था, साथ में ये भी देखा था कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो रहेगा वो क्या रहेगा और ये किस प्रकार से काम करेगा। ठीक है, अभी हम लोग जिस पॉलीमर की प्रिपरेशन मेथड पढ़ने वाले हैं, उस पॉलीमर का नाम है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर, रबर तो आपको फैमिलियर है। नेचुरल रबर का मतलब होता है नेचर में जो रबर मिलता है, जब उस रबर को हम लोग एज इट इज यूज करते हैं, कुछ प्रोसेस करके, उसको हम बोलते हैं नेचुरल रबर। अब ये जो नेचुरल रबर होता है, इस नेचुरल रबर को बनाने के लिए हम जिस मोनोमर का यहाँ पे यूज करते हैं, हम उस मोनोमर को बोलेंगे आइसोप्रीन। क्या बोलेंगे? आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन नाम का मोनोमर होता है और इस आइसोप्रीन नाम के मोनोमर का IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है 2-methyl-butadiene। और इस मोनोमर को यूज करते हैं और इस मोनोमर को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इस पॉलीमर को बनाते हैं। अब यहाँ पे एक मोनोमर का नाम आइसोप्रीन लिखा हुआ है, सही है ना? और जब n नंबर ऑफ मोन आइसोप्रीन जब जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो हम उसको बोलेंगे पॉली आइसोप्रीन। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो नेचुरल पॉलीमर है, ये नेचुरल पॉलीमर किस मोनोमर यूनिट का बना हुआ है? तो वो बना हुआ है आइसोप्रीन मोनोमर यूनिट का। और जब n नंबर ऑफ आइसोप्रीन मोनोमर यूनिट एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, तो ये जिस पॉलीमर को बनाएंगे, उस पॉलीमर का नाम रहेगा पॉली आइसोप्रीन। अब ये रिएक्शन कैसे शो करेगा? जैसे ब्यूटाडाइन ने रिएक्शन शो किया था, वैसे ही ये आइसोप्रीन जो रहेगा ये भी रिएक्शन करेगा। यहाँ पे हम लोग नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, उसको ब्रेक कर दिया, तो फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब हमने थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच का भी पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो थर्ड और फोर्थ कार्बन दोनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्या होगा, ये सेकंड कार्बन जो रहेगा ये थर्ड कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन जो रहेगा वहां पे वैकेंसी रहेगी। तो हर मोनोमर यूनिट का फर्स्ट कार्बन दूसरे मोनोमर यूनिट के फोर्थ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इस प्रकार से ये लिंकेज बन जाएगा। और ये इस प्रकार से जब n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पे n नंबर ऑफ यूनिट को बनाएंगे और यहाँ पे जो पॉलीमर बनेगा, इस पॉलीमर का नाम रहेगा आइसोप्रीन। क्या रहेगा? पॉली आइसोप्रीन। और इस पॉली आइसोप्रीन को ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर बोलेंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द केमिकल रिएक्शन। मतलब जब नेचुरल रबर को हम लोग बनाते हैं, तो नेचुरल रबर को बनाने के टाइम पे किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन होता है वो हम यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बस एक केमिकल रिएक्शन है जो नेचुरल रबर बनाने के टाइम पे हम लोग देखते हैं। अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। नेचुरल रबर जो पॉलीमर है वो आइसोप्रीन का बना हुआ है। नेचुरल रबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, और बहुत ज़्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करने के वजह से इट इज़ कॉल्ड एज इलास्टोमर। इट इज़ ए लीनियर पॉलीमर। मतलब ये जो रहेगा, इस ये लीनियर पॉलीमर्स की प्रॉपर्टी शो करता है, ये हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द लैटेक्स, रबर लैटेक्स विच इज अ कोलाइडल डिस्पर्शन ऑफ रबर। अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड आता है और इस न्यू वर्ड को हम बोलते हैं कोलाइडल। अब सॉल्यूशन जो होता है वो तीन टाइप का होता है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। जो भी कोई सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन दो फेज का बनता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जो लेस क्वांटिटी में रहेगा उसको हमने बोला था सॉल्यूट, सही ना? और जो मोर क्वांटिटी में था उसको हमने बोला था सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इन दोनों को जब मिलाते हैं
तो दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सॉल्यूशन को बनाया था। जब यह सॉल्यूट पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है तो उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा रहेगा तो उसको बोलेंगे सस्पेंशन। सो 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है उस सॉल्यूट पार्टिकल का साइज, तो उसको बोलेंगे हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन। रिपीटिंग अगेन, वैसे सॉलिड फिर से एक दो लेसन में आता है, ट्रू सॉल्यूशन सॉल्यूट पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होना चाहिए, सस्पेंशन मत तो इसको ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे, सस्पेंशन 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होना चाहिए सॉल्यूट पार्टिकल का साइज, और जब सॉल्यूट पार्टिकल का साइज 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये जो आइसोप्रीन का मतलब ये जो लैटेक्स होता है, ये लैटेक्स जो रहेगा ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, और इस कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट रहेगा वो कौन रहेगा, वाटर रहेगा। ये जो लैटेक्स होता है, इस लैटेक्स को कैसे करते हैं कि जो भी रबर प्लांट का ट्री होता है उस ट्री को हम लोग किसी एक पार्ट से कट करते हैं, जैसे हमारे बॉडी को कहीं से कट करेंगे तो वहां से ब्लड बाहर निकलेगा, वैसे ही रबर के प्लांट को जब हम लोग कट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन से तो वहां से एक मिल्की कलर का एक सॉल्यूशन बाहर निकलता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बाहर निकलता है, और उस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम बोलते हैं लैटेक्स। ये जो रबर ट्री होता है ये मोस्टली फाउंड होता है इंडिया, श्रीलंका मतलब हमारे कंट्री में है, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, ये कुछ ऐसे साउथ अमेरिका सॉरी, ये कुछ ऐसे कंट्रीज है जिस कंट्रीज में रबर प्लांट्स का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्हीं कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं जिस कंट्री में इनका क्वांटिटी ज़्यादा मिलता है हमको, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सम इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रबर कि वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। तो रबर प्लांट जो होता है उसको एक हल्का सा कट करना पड़ेगा, पूरा प्लांट कट नहीं करना है, एक छोटा सा हल्का सा कट लगाना है, और उस कट से क्या करेगा वहां पे लैटेक्स बाहर निकलेगा। अब देखो, अब ये रबर प्लांट यहाँ पे शो किया हुआ है, और इस रबर प्लांट का जो बार्क है उस बार्क को हल्का सा यहाँ से कट किया हुआ है, तो यहाँ से कट इस प्रकार से किया हुआ है ताकि जो लैटेक्स रहेगा वो लैटेक्स एक पर्टिकुलर किसी एक जगह आना चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पे जो कट है वो इस प्रकार से कट किया हुआ है, और यहाँ से जो पूरा लैटेक्स रहेगा वो कलेक्ट हो जाएगा, और कलेक्ट होने के बाद नीचे जो कंटेनर रखा हुआ है इस कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, उस लैटेक्स को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे नेचुरली, मतलब ये जो तो अभी लिक्विड फॉर्म में है तो इस लिक्विड फॉर्म वाले को इसके ऊपर प्रोसेस किया जाएगा, और प्रोसेस करने के बाद जो रबर बनाते हैं वो हमको इस प्रकार से मिलता है। नॉर्मली जो हमको नेचुरल रबर मतलब लैटेक्स से जो रबर बनाते हैं, हम उस रबर को देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा, थोड़ा सा येलोइश कलर शो करता है, थोड़ा सा डल कलर शो करता है। अब ऐसे ही रबर से हम लोग इरेजर वगैरह बनाते हैं, लेकिन ये जो इरेजर होते हैं आजकल डिफरेंट कलर से आते हैं, पहले वाइट कलर का ही आता था, तो फिर इसके ऊपर केमिकल प्रोसेस किया जाता है ताकि इसका जो कलर रहेगा वो कलर हम लोग क्या करें, चेंज करें, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे नेचुरल रबर को प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो ये रबर का एक प्लांट है, ट्री है, वहाँ से हमने लैटेक्स को इस प्रकार से कलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर केमिकल प्रोसेस करके उसको हम लोग वहाँ से नेचुरल रबर को बनाते हैं। अभी नेचुरल रबर जो होता है उसमें हमने देखा था कि ये इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी इसलिए शो करता है क्योंकि यहाँ पे उन पॉलीमरिक चेन के बीच का जो डिस्टेंस होता मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो वीक होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये इस प्रकार के प्रॉपर्टी क्या करेगा, शो करेगा। ये जो रबर होता है ये सॉफ्ट होता है, साथ में ये स्टिकी नेचर भी क्या करता है, शो करता है इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो। इट कैन बी स्ट्रेस्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स, मतलब ये नेचुरल रबर जो होता है
इफ हम मतलब मैंने बोला कि हमने एक साइड से यहाँ से पकड़ा है, एक साइड से यहाँ से पकड़ा है और हम दोनों साइड अपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं, तो ये हल्का सा क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, क्योंकि इसका ये इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या करता है, शो करता है। साथ में ये सिस कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, क्या करेगा, सिस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। अब हमने सिस और ट्रांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, उसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज़ करना है। सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन शो करने के लिए या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या तो रिंग होना चाहिए। जब रिंग रहेगा तो उसके जो आइडेंटिकल ग्रुप्स है वो सेम साइड में रहेंगे तो सिस और अपोजिट साइड में रहेगा तो ट्रांस। लेकिन जब डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे हम लोग दूसरे हिसाब से जाते हैं। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, मैंने इस डबल बॉन्ड को सिलेक्ट किया हुआ है जिसके बारे में हमको देखना है, ठीक है। तो एक कार्बन या दूसरा कार्बन, इसको बोलेंगे हम लोग लेफ्ट साइड कार्बन, इसको बोलेंगे हम लोग राइट साइड कार्बन। लेफ्ट साइड कार्बन के यहाँ पे अटैच्ड है CH3 और यहाँ पे अटैच्ड है H, यहाँ पे अटैच्ड है CH2 और यहाँ पे अटैच्ड है CH2। ये दोनों ग्रुप तो डिफरेंट है, तो इन दोनों ग्रुप से हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये सिस रहेगा कि ट्रांस रहेगा। लेकिन ये CH2 और CH2 दोनों आइडेंटिकल है। इफ पहला एटम सेम है तो हम लोग दूसरा एटम देखेंगे और तब तक देखेंगे जब तक वो या तो ख़त्म नहीं हो जाते या तो डिफरेंट डे मिलते हैं। CH2 आइडेंटिकल, CH2 अटैच टू CH2, CH2 अटैच टू CH2, ये भी आइडेंटिकल है। दिस CH2 अटैच टू कार्बन विथ CH3, दिस CH2 अटैच टू कार्बन विथ H, मतलब ये इस प्रकार से प्रॉपर्टीज क्या करता है, शो करता है। तो इसको हम लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से ये क्या करेगा, सिस कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, शो करेगा। क्लियर है? तो ये यहाँ पे सिस कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। इट कैन बी यूज ओनली इन टेम्परेचर रेंज 10 degree to 50 degree, मतलब ये 10 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम इसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इससे ज़्यादा होता है तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत कम करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा और हार्ड होने की वजह से क्या करेगा, ब्रिटल नेचर को क्या करेगा, शो करेगा। साथ में इट हैज अ हाई वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, मतलब जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये बहुत सारे वाटर को अपने बॉडी के अंदर क्या करता है, एब्सॉर्ब कर लेता है, और जिसके वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी को क्या करेगा, शो करेगा। यहाँ पे ये पूरा का पूरा नॉन पोलर ग्रुप है, देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, और ये दोनों के दोनों बॉन्ड कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। और मैंने आपको बताया था नॉन पोलर इज सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर इज सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे जो सिस ट्रांस लिखा हुआ है ये इस डबल बॉन्ड के दोनों साइड में सेम ग्रुप प्रेजेंट है, और सेम ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इसको बोला है सिस, क्या बोला हुआ है, सिस। अब वल्कनाइजेशन का मतलब क्या होता है, वल्कनाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पे हमने पॉली आइसोप्रीन है, मतलब सिंपल हम मतलब देखेंगे कि वल्कनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वल्कनाइजेशन के लिए यहाँ पे एक पॉली आइसोप्रीन का चयन है, ये दूसरा पॉली आइसोप्रीन का चयन है, ये तीसरा पॉली आइसोप्रीन का चयन है। अब इस दो चेन के बीच में कि केमिकल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे फिजिकल बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में भी फिजिकल बॉन्ड है। और हमने पहले ही पढ़ा था कि केमिकल बॉन्ड और फिजिकल बॉन्ड में से केमिकल बॉन्ड स्ट्रांग होता है और फिजिकल बॉन्ड वीक होता है। अब ये तो चेन के बीच का जो बॉन्ड है ये फिजिकल होने के वजह से ये बॉन्ड वीक है, और जब बॉन्ड वीक रहेगा तो ये इजीली टूट जाएगा, मतलब ये सॉफ्ट नेचर शो करेगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाएगा, ये जल्दी टूट जाएगा। तो हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाना है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए दो ऑप्शन है, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ाए या तो केमिकल बॉन्ड बनाए, क्योंकि फिजिकल बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस पॉली आइसोप्रीन में देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इस दो चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो हमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए दूसरा ऑप्शन है कि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बनाए, क्या करें, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बनाए।
तो ये डायरेक्ट बॉन्ड पहले ही नहीं बनेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस पॉलीआइसोप्रीन को हीट करेंगे और हीट करने की वजह से क्या हो जाएगा, ये एक चेन ये दूसरा चेन एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो इनके बीच में गैप बनेगा। और फिर क्या करेंगे, हम वहाँ पे सल्फर को ऐड करते हैं। किसको, सल्फर को। तो सल्फर जो रहेगा वो ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर देता है बीच में से, ये डाइसल्फाइड ये ट्राइसल्फाइड ये ट्राइसल्फाइड, ठीक है, इस प्रकार से वो लिंकेज बनाता है। तो पहले हमने क्या किया, पॉलीआइसोप्रीन को हीट किया। हम यहाँ पे इरेज करके देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हमारे पास कोई चेन नहीं है, ठीक है। अब हमने इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम करने के लिए इस पॉलीआइसोप्रीन को हीट किया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। फिर हमने क्या किया, सल्फर को ऐड कर दिया। अब सल्फर क्या करेगा, सल्फर सल्फर के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये सल्फर ये दो चेन के बीच में आ जाएगा, और ये दो सल्फर रहेंगे वो क्या करेंगे, इस दो चेन को ज्वाइन करने का काम करेंगे। तो जिस चेन के बीच में पहले फिजिकल बॉन्ड था, उस चेन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, केमिकल बॉन्ड रहेगा। और जब केमिकल बॉन्ड बन जाएगा तब सिंपल सी बात है उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाएंगे। अब देखो, एक पॉलीआइसोप्रीन का चेन था, ये दूसरा पॉलीआइसोप्रीन का चेन, और ये तीसरा पहले ऐसा था। हीटिंग किया तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, वहाँ पे सल्फर को ऐड किया तो हमने जो हीट सप्लाई किया था वो हीट क्या करेगा, ये सल्फर सल्फर के बीच का बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। फिर यहाँ पे जो सल्फाइड रिलीज हुआ है, ये सल्फाइड इसके बीच में घुस जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। और जैसे हम यहाँ पे उसको इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट होने के बाद एक सल्फर क्या करेगा, अपर साइड वाले चेन के साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरा सल्फर लोअर साइड वाले चेन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और इस प्रकार से देखो, यहाँ पे हमने सल्फर को इंसर्ट किया है। अब जिस दो चेन के बीच में पहले कोई केमिकल बॉन्ड नहीं था, अब उस दो चेन के बीच में यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन गया। और जैसे यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन जाएगा तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से अब इसके एप्लीकेशन भी बढ़ जाएंगे, मतलब चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले ये वीक था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब केमिकल बॉन्ड बनने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए हमने किसको इंसर्ट किया, सल्फर को। तो नेचुरल रबर में, मतलब नेचुरल रबर में हीटिंग करके सल्फर को ऐड करेंगे ताकि उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाए दो चेन के बीच में, और जब केमिकल बॉन्ड बन जाएगा तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम बोलेंगे वल्कनाइजेशन। तो वल्कनाइजेशन है नेचुरल रबर के प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए, हम नेचुरल रबर में थोड़ा सा सल्फर ऐड कर देंगे, और उस सल्फर को ऐड करने की वजह से जो पॉलीमरिक चेन के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है, तो उस केमिकल बॉन्ड के वजह से उस पॉलीमरिक चेन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जो ड्यूरेबिलिटी रहेगी इस पॉलीमर की वो बढ़ जाएगी। अब जितना ज़्यादा सल्फर ऐड करेंगे उतने ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग बनेंगे ऐसे, और जितने ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग बनेंगे उतने ज़्यादा केमिकल बॉन्ड रहेंगे, और जितने ज़्यादा केमिकल बॉन्ड रहेंगे उतना ही इसका हार्डनेस जो रहेगा वो बढ़ जाएगा। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ हम ये देख सकते हैं कि हमको कितना सल्फर ऐड करना है। हमको बहुत हार्ड या ठोस मटेरियल बनाना है तो हम वहाँ पे ज़्यादा सल्फर को ऐड करेंगे, हमको सॉफ्ट मटेरियल बनाना है तो हम कम सल्फर को ऐड करेंगे। दीज आर, यहाँ पे ये जो भी कुछ लिखा हुआ है ये सब वल्कनाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग ऑफ सल्फाइड लिंकेज, मतलब ये सल्फाइड लिंकेज को इंट्रोडक्शन करने का काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे ताकि ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाए सल्फर सल्फर के बीच के, साथ में इस पॉलीमरिक चेन के बीच का भी डिस्टेंस बढ़ जाए। यहाँ पे हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं ये होता है जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड जो होता है ये वल्कनाइजेशन का स्पीड बढ़ाने का काम करता है, और ये वल्कनाइजेशन का स्पीड बढ़ाने की वजह से हम यहाँ पे बोलेंगे कि जिंक ऑक्साइड जो रहेगा वो किसका काम करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि वल्कनाइजेशन करने के टाइम पे हमने किस मेटल ऑक्साइड को यूज़ किया था, हमने वल्कनाइजेशन का रेट बढ़ाने के लिए।
ठीक है, जितना ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग बनेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। हमको टायर के लिए रबर बनाना है तो हम वहाँ पे 5% सल्फर ऐड करेंगे, और हमको बैटरी के लिए बनाना है तो हम 30% सल्फर ऐड करेंगे। अब दोनों का मतलब देखते हैं। यहाँ पे बैटरी के लिए रबर का मतलब होता है जो भी हम लोग इन्वर्टर वगैरह लेते हैं, या तो हम हमारा जो व्हीकल होता है वहाँ पे एक बैटरी यूज़ करते हैं, तो उस बैटरी का जो केस होता है आउटर केस, वो भी एक पॉलीमर का बना होता है, और वो पॉलीमर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। आप उसको टच करके देखोगे तो आपको लगेगा कि वो बहुत हार्ड मटेरियल से बना हुआ है। इसका मतलब वो भी नेचुरल रबर से ही बनाया था, लेकिन वहाँ पे हमने सल्फर का क्वांटिटी ज़्यादा ऐड कर दिया, और सल्फर का क्वांटिटी ज़्यादा ऐड करने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे नंबर ऑफ क्रॉस लिंकिंग बढ़ गए, और जब नंबर ऑफ क्रॉस लिंकिंग बढ़ जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हार्डनेस पड़ेगा। लेकिन टायर का जो सोल होता है, जो रबर होता है, वो सॉफ्ट होता है, और वो सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि हमने वहाँ पे 5% सल्फर को ऐड किया। हम सल्फर ऐड नहीं करेंगे तो वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा तो वो जल्दी टूट जाएगा, वहाँ पे जो कंकड़ वगैरह रहेंगे वो इजीली इनसाइड में आ सकते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए हमने वहाँ पे थोड़ा सा ही सल्फर ऐड किया। इसलिए मैंने आपको बोला था कि सल्फर कितना ऐड करना है ये डिपेंड करता है कि हमको उसका यूज़ कितना कहाँ करना है। हमको टायर बनाना है, कोई सॉफ्ट मटेरियल बनाना है तो सल्फर को कम यूज़ करना पड़ेगा, और हार्ड मटेरियल बनाना है तो सल्फर को ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना पड़ेगा। सो दिस इज़ अबाउट द वल्कनाइजेशन। आप इस फिगर में भी देख सकते हो, यहाँ पे एक पॉलीमर का चेन है, ये दूसरा पॉलीमर का चेन है, ये तीसरा पॉलीमर का, यहाँ पे हमने सल्फर को ऐड किया हुआ है एसेट। सल्फर जो होता है वो एसेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सल्फाइड लिंकेज बन गए, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, ये टायर का जो रबर है उस टायर के रबर को जूम करके उसके अंदर के मॉलिक्यूल शो किए हैं। ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ये कार्बन है, ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है वो हाइड्रोजन है, और ये दोनों रहेंगे सल्फर। तो इस प्रकार से यहाँ पे पॉलीमरिक चेन के बीच में ये सल्फाइड लिंकेज बनाने का काम करेंगे। सो दिस इज अबाउट वल्कनाइजेशन। हमारा नेक्स्ट जो पॉलीमर रहेगा जिसका प्रिपरेशन मेथड हमको पढ़ना है, यह है नियोप्रीन। आइसोप्रीन आगे देखा था, ये नियोप्रीन है, ठीक है। ये जो नियोप्रीन है, इस नियोप्रीन को बनाने के लिए हम जिस मोनोमर को यूज करते हैं उसका नाम रहेगा क्लोरोप्रीन, ठीक है। क्लोरोप्रीन जो रहेगा इसमें सेकंड कार्बन के ऊपर Cl रहेगा, इसका IUPAC नॉमिनेचर क्या होना चाहिए, 1,2-2-chloro-1,3-butadiene। ये भी क्या करेगा, फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच का भी बॉन्ड सिमेट्रिकली तोड़ेगा, तो सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन फ्री हो गया। अब ये फोर्थ कार्बन दूसरे मोनोमर के फर्स्ट कार्बन के साथ ज्वाइन करेगा, ये फर्स्ट कार्बन दूसरे मोनोमर के फोर्थ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पे जो पॉलीमर बनेगा उस पॉलीमर का नाम रहेगा नियोप्रीन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग नियोप्रीन को शो करेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इट हैज द सुपर रेजिस्टेंस टू द वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल। तो ये नियोप्रीन जो होता है एक ऐसा पॉलीमर बनता है, ये पॉलीमर वेजिटेबल ऑयल और मिनरल ऑयल्स जो होते हैं ये ऑयल्स के साथ किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता है। तो इफ हमको ऑयल को कंडक्ट करना है या ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए या तो ऐसा मटेरियल हमको बनाना है जो ऑयल के कॉन्टैक्ट में आता है, तो हमको यहाँ पे नियोप्रीन को यूज़ करना ज़्यादा सही रहेगा। ये नियोप्रीन जो है एक केमिकल से बना हुआ है, इसको लेबोरेटरी में बनाते हैं, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज सिंथेटिक पॉलीमर, होमोपॉलीमर, क्योंकि एक ही टाइप का मोनोमर है यहाँ पे और कोई बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं हुआ है। इसको बोलते कन्वेयर बेल्ट, मतलब यहाँ पे कुछ सामान, यहाँ से सामान यहाँ तक लेके जाना है तो उसको कैरी करने के लिए जिसको यूज करते हैं उसको बोलेंगे हम लोग कन्वेयर बेल्ट। गैस्केट का मतलब आपको पहले बताया था मैंने, वाइसर जो होता है उसको बोलेंगे हम लोग गैस्केट। हॉसेस का मतलब इस प्रकार के जो पाइप्स होते हैं उसको हम बोलते हैं हॉसेस।
और ये है आजकल आप टीवी के ऊपर ऐड देखते होंगे, जब भी किसी पेंट का ऐड आता है तो पेंट लगाने के लिए वो रोलर को यूज़ करते हैं, तो वो इस प्रकार के जो रोलर्स होते हैं ये रोलर्स का सरफेस बनाने के लिए नियोप्रिन को यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि पेंट जो होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑयल, वो क्या रहेगा ऑयल रहेगा, और जब ये ऑयल रहेगा तो ये ऑयल क्या करेगा, इसके साथ किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ये रोलर बनाने के लिए भी इस नियोप्रिन को यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो पॉलीमर रहेगा वो रहेगा ब्यूना एन। हमने इसके पहले ब्यूना एस पढ़ा था, एस स्टायरिन के वजह से आता है और एन आता है एक्रिलोनाइट्रिल की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे 1.3 ब्यूटाडाइन और यहाँ पे एक्रिलोनाइट्रिल है और यहाँ से बनेगा ब्यूना एन, ठीक है। इसका केमिकल रिएक्शन कैसे होगा आप देख सकते हो, 1 और 2 के बीच का बॉन्ड टूटेगा, 3 और 4 के बीच का बॉन्ड टूटेगा और इस प्रकार से ये रिएक्शन क्या करेगा शो करेगा। इट इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। अब सिंथेटिक पॉलीमर क्यों बोलते हैं वो अभी यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, साथ में ये हीट रेजिस्टेंट होता है, और हीट रेजिस्टेंट होने की वजह से हम इसको ऐसे जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, या तो ऐसे जगह जहाँ पे हमने कोई ऐसा सब्सटेंस स्टोर किया हुआ है जो हीट बढ़ने के वजह से वो एक्सप्लोजन शो कर सकता है, तो वहाँ तक हीट ना पहुँचे इसलिए, ठीक है। हम इस ब्यूना एन को यूज कर सकते हैं हम लोग हॉटपॉट बनाने के लिए, मतलब रोटियाँ मतलब चपाती होती है उसको रखने का पॉट, या तो हम लोग इसको थर्मास फ्लास्क बनाने के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि ये भी हीट को ट्रांसफर कर नहीं करता है, तो जो टेम्परेचर रहेगा वो इनसाइड का वो मेंटेन्ड रहेगा। इनर्ट टू पेट्रोल, ये ऑयल के साथ भी किसी प्रकार का कोई रिएक्शन शो नहीं करता है, तो लिनिक्स के लिए, लिनिक्स का मतलब होता है जो भी व्हीकल का एक पेट्रोल टैंक होता है, इस पेट्रोल टैंक को जब बनाया जाता है तब वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट से बनाया जाता है, और जब उस मेटल को ज्वाइंट करते हैं उस पार्ट को, तो जब उनको ज्वाइंट करते हैं उस टाइम पे उस ज्वाइंट पे कुछ लीकेज रहता है, और वो जो लीकेज होता है उस लीकेज से पेट्रोल बाहर निकल सकता है, तो पेट्रोल बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसीलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं इस टैंक के इनसाइड में ये ब्यूना एन नाम का जो पॉलीमर होता है इसका लेयर हम लोग टैंक के अंदर लगा देते हैं। तो ये इसको लगाने की वजह से क्या होता है कि ये क्या करता है उस टैंक के अंदर इफ़ कोई लीकेज रहेगा तो उस लीकेज को क्या करेगा बंद करने का काम करेगा। तो इस पेट्रोल टैंक के अंदर के लीकेज को बंद करने के लिए ब्यूना एन को यूज़ किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ब्यूना एन को ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि इस पेट्रोल के साथ ये ब्यूना एन जो रहेगा वो किसी प्रकार का कोई भी केमिकल रिएक्शन शो नहीं करता है, एंड दैट्स वाई हमने उस पेट्रोल टैंक का लीकेज पूरा करने के लिए फिल करने के लिए ब्यूना एन को यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट जो टाइप्स आते हैं, एक आता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर और दूसरा आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ये अब थोड़ा सा एडवांस है पॉलीमर्स का, जो अभी आजकल नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं उनमें से रिसेंटली बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ गया है, ठीक है। आप नाम से ही देख सकते हो कि इसका मतलब क्या रहेगा, द डिग्रेडेशन, जिस पॉलीमर का डिग्रेडेशन होता है एंजाइम के वजह से या तो बैक्टीरिया के वजह से हम उसको बोलेंगे डिग्रेडेबल, और जिसका नहीं होगा उसको बोलेंगे हम लोग नॉन डिग्रेडेबल। जो डिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के साथ रिएक्शन करते हैं। अब एनवायरनमेंट के साथ रिएक्शन करते मतलब एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं तो उनके साथ वो रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन होने के बाद आफ्टर सम टाइम वो डिग्रेडेशन शो करते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायो का मतलब होता है मतलब लिविंग थिंग्स को यूज करके हम लोग उनका डिग्रेडेशन करते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। जितने भी हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर देखते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर जो रहेंगे वो नॉन डिग्रेडेबल रहेंगे, और जो नॉन डिग्रेडेबल रहेंगे वो पोल्यूशन करेंगे, जो डिग्रेडेबल रहेंगे वो पोल्यूशन फ्री रहेंगे। जैसे
पॉलीथीन जो होता है, ये पॉलीथीन का डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा, मतलब इसको डिग्रेड होने के लिए सालों लग जाएंगे। इनडायरेक्टली ये भी बोलेंगे कि वो नॉर्मली डिग्रेड नहीं होगा, तो पॉलीथीन जो रहेगा वो नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर्स रहेगा, और ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जो रहेंगे वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करने के वजह से ये जो रहेगा वो नेचर के लिए हार्मफुल रहेंगे। आजकल हम लोग जो सीरिंज यूज़ करते हैं, इंजेक्शन यूज़ करते हैं, बहुत सारे जगह हम डिग्रेडेबल इंजेक्शन को यूज़ करते हैं, तो वो इंजेक्शन जो होते हैं वो आफ्टर सम टाइम क्या होते हैं, वो डिग्रेड हो जाते हैं। पहले क्या होता था, ऑपरेशन होने के बाद जो स्टिचेस लगाते थे, वो स्टिचेस आफ्टर सम डेज वो स्टिचेस को निकालने के लिए फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ता था। अभी ऐसा नहीं होता है, अभी क्या होता है, वो स्टिचेस जो होते हैं वो आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाते हैं, तो उन स्टिचेस को निकालने के लिए फिर से जाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो स्टिचेस जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बने होते हैं। तो अभी के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो डिग्रेडेबल मतलब पॉलीमर्स जो रहेंगे उनका यूज़ हम कुछ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ताकि कम से कम पोल्यूशन हो, और पोल्यूशन भी कम होगा और इसका जो नेचर के ऊपर जो एडवर्स इफेक्ट रहेगा वो भी कम होगा। ये नॉन डिग्रेडेबल जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो गटर का जो लाइन होता है उस गटर के लाइन को चोक करने का काम करते हैं, क्लोज होता है उसको जाम कर देते हैं। इसके वजह से जब बारिश में, जब बारिश मतलब रेनी सीजन में जब बारिश आती है, उस टाइम पे वहाँ से वो जो पाइप होता है उस पाइप से जो वाटर होता है वो फ्लो नहीं हो सकता है, तो इसके वजह से वहाँ पे बहुत सारा जो गटर का पानी होता है वो जैम हो जाता है, और जिसके वजह से बहुत सारे डिसीज स्प्रेड होने की पॉसिबिलिटी बनती है। और इसीलिए हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा डिग्रेडेबल पॉलीमर को यूज़ करेंगे। यहाँ पे कुछ डिग्रेडेबल पॉलीमर्स के नाम लिखे हुए, नायलॉन 2.6, फिर आता है PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड, PHP, पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटायरेट, PSPV, पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटायरेट वैलेरेट, PBAT, पॉलीब्यूटाइलिन एडिपिक टेरेप्थेलेट, PBS, पॉलीब्यूटाइलिन सक्सिनेट। दीज आर नेम्स ऑफ सम डिग्रेडेबल पॉलीमर, पॉलीमर्स विच आर प्रेजेंट इन नेचर इज कॉल्ड एज बायोपॉलीमर। जैसे हमारे बॉडी के अंदर DNA और RNA प्रेजेंट है, वो तो पॉलीमर ही है, इसके बारे में हमने बायो मॉलिक्यूल में पढ़ा था, एंड दैट्स वाई DNA एंड RNA इज कॉल्ड एज बायोपॉलीमर। इनमें से आपको मेन जो याद रखना है कि इनमें से कौन कौन ऐसे हैं जो डिग्रेडेबल पॉलीमर का काम करेंगे। जनरली इनका नाम पूछा जाता है, या तो ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन डिग्रेडेबल पॉलीमर है और कौन नहीं है। जनरली इनके शॉर्ट फॉर्म दिए जाते हैं, ठीक है, तो आपको उसका पूरा नाम पता होना चाहिए कि PLA का फुल फॉर्म क्या होता है और PBS का फुल फॉर्म क्या रहेगा, ठीक है। दिस इज अबाउट द PSBV, मतलब लास्ट में हमने पहला वाला एक देखा था PSBV, थर्ड नंबर का पॉलीमर यहाँ पे, तो PSBV जो होता है उसका प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। PSBV का फुल फॉर्म क्या था, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट वैलेरेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये ब्यूटानोइक एसिड है, इसके थर्ड कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसका रिएक्शन किया हमने 3-hydroxypentanoic acid, 5 कार्बन वाले को वैलेरिक एसिड बोलते हैं, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, कॉमन नोमेनक्लेचर में। तो यहाँ का जो मतलब अब क्या होगा, ये दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। अब यहाँ पे OH है और यहाँ पे COOH है, तो एक जन क्या करेगा, H देगा, दूसरा क्या करेगा, OH देगा, तो इन दो कार्बन के बीच में क्या करेगा, रिएक्शन होगा, तो ये दो कार्बन एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे और ये इस प्रकार का नेचर क्या करेंगे, शो करेंगे। PSBV डिग्रेडेबल पॉलीमर है, यहाँ पे जो लिंकेज रहेगा ये C डबल बॉन्ड O अटैच टू C, मतलब पॉलीस्टर, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, क्योंकि मोर देन वन मोनोमर को तो यूज़ किया ही है, साथ में बाय प्रोडक्ट को रिलीज किया हुआ है,
और ये डिग्रेडेबल होने की वजह से जो ऑर्थोपेडिक डिवाइस होते हैं उस ऑर्थोपेडिक डिवाइस को बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। साथ में जो कैप्सूल ड्रग होते हैं, हम लोग कुछ मेडिसिंस लेते हैं जो कैप्सूल के फॉर्म में होते हैं, वो कैप्सूल का जो अपर साइड का लेयर होता है वो जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर चले जाता है तो आफ्टर सम टाइम हमारे बॉडी के अंदर के जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस कैप्सूल का जो लेयर होता है उस लेयर को डिग्रेड कर देते हैं ताकि उस कैप्सूल के अंदर का जो केमिकल होता है वो केमिकल हमारे बॉडी में इजीली मिक्स हो जाए, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब इजीली मोल्डेबल होता है। जैसे हम लोग उस कैप्सूल को इफ ओपन करके देखेंगे खाने के पहले तो वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, मतलब इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये PHBB जो रहेगा वो फ्लेक्सिबल नेचर को क्या करेगा, शो करेगा। नायलॉन 2.6, अब 2.6 क्यों बोला है इसका मतलब आप देख समझ गए होंगे क्यों लिखा होगा। नायलॉन 2.6 का मतलब होता है इस पहले मोनोमर में 2 कार्बन है और दूसरे मोनोमर में 6 कार्बन, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नायलॉन 2.6। इट इज अ डिग्रेडेबल। यहाँ पे जो लिंकेज बनेगा ये रहेगा अमाइड लिंकेज, सी डबल बॉन्ड ओ अटैच टू NH, और इस प्रकार से ये क्या करेगा यहाँ पे अमाइड लिंकेज को बनाएगा। दीज आर सम मोनोमर्स, साथ में मोनोमर्स के नाम लिखे हुए हैं, पॉलीमर्स के भी नाम लिखे हुए हैं, और वो किस टाइप का पॉलीमर रहेगा वो यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। तो दीज आर सम मोनोमर्स पॉलीमर, साथ में वो किस टाइप का पॉलीमराइजेशन रहेंगे ये यहाँ पे 10 लिखे हुए हैं और ये दूसरे 10, तो टोटल 20, जिसके मतलब जो हमारे सिलेबस के है तो ये रहेंगे 20 मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। आपको ये सब नोट करके रखना है कि किस पॉलीमर को बनाने के लिए किस मोनोमर को यूज़ किया हुआ है और वो जो मोनोमर रहेगा वो किस प्रकार का पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एंड ऑफ पॉलीमर लेसन। तो यहाँ पे हमने लेसन नंबर 15 जो है पॉलीमर उसको यहाँ पे एंड कर लिया है, उसका ख़त्म कर लिया है। अब आपका काम ये बनता है कि जब भी आप वीडियो देखो तो साथ में NCERT का टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, ये ऐसे लेसन्स है ये टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं, ठीक है। इसलिए आपको इन दोनों के लिए टेक्स्ट बुक प्रॉपरली रीड करना है और रीड करने के बाद जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे नहीं पढ़े हैं उनको मार्क करके रखना है, और जब भी हम लोग डाउट सेशन रखेंगे उस टाइम पे हमको क्या करना है, ये क्वेश्चंस आपको पूछना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पॉलीमर लेसन को यहाँ पे एंड कर लिया है। जल्दी हम मिलेंगे नए लेसन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको NCERT टेक्स्ट बुक रीड करते रहना है और जितने लेसन्स हमारे पढ़ा के हो गए हैं वो प्रॉपरली पढ़ लो। हमारे 3 लेसन हो गए, सॉलिड स्टेट, बायोमोलिक्यूल, और ये तीसरा जो रहेगा वो रहेगा पॉलीमर। साथ में आपको जो शीट दिया जाता है सॉल्व करने के लिए वो भी आपको सॉल्व करना है। उनके जो डाउट्स रहेंगे हम लोग स्कूल रीओपन होने के बाद, हम लोग जैसे लॉकडाउन हट जाएगा स्कूल ओपन हो जाएगा उस टाइम पे हम लोग उनके डाउट्स देखेंगे, क्योंकि जितने क्वेश्चंस है तो उतने क्वेश्चंस का डाउट वन बाय वन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हम लोग जो पेपर के मतलब जो शीट के जो डाउट्स है वो हम देखेंगे क्लास में लाइव, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने पॉलीमर लेसन को एंड कर लिया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।